YouTube family, welcome back to my channel. This is Priyanshi. So today we are going to do wall hanging with the help of clay, and today it is going to be a very experimental video because it is class 11th only when I use clay for the very first time. That too, actually I had to make a model for my science exhibition, and our school teacher insisted us so much to use the clay. So yeah, for that only I really tried, and बहुत ही घिसे पिटे तरीके से मैंने उसको किया था. I still remember, and yeah, this is the second time I'm going to use clay. That was a very, you know, like play. You have to play with that clay. It is not like you can do clay painting with that. And this time I have ordered super clay from Amazon, and you can see that I had already unboxed it. And yeah, that's why it is going to be very experimental today. एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था, क्योंकि जो मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट में मैंने किया था, दैट वॉज लाइक मुझे कुछ सिलिंड्रिकल पाइप वगैरह बनाना था, एंड दैट वॉज सो ईजी टू मेक. बट दिस टाइम वेन आई डिसाइडेड टू लाइक आई हैव टू पेंट समथिंग और आई हैव टू डू समथिंग विद द क्ले, आई रियली गोइंग विद द थॉट दैट आई हैव टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक. एंड दैट्स वाई मेरे दिमाग में एक पहले से ही आइडिया था कि मुझे क्या बनाना है. एंड मुझे सर्कल शेप्स चाहिए थे, जो कि मुझे लगा था कि बहुत ही ईजीली मिल जाएगा. सो आई यूज़ अ क्लॉथ टू क्रिएट अ वाइट बैकग्राउंड फॉर माई वीडियो. एंड वेन आई कीप दैट क्ले ऑन दैट क्लॉथ एंड आई स्टार्टेड रोलिंग इट, एंड देन आई रियली फाउंड अ बॉटल कैप टू गिव इट अ सर्कल शेप, देन इट टोटली स्टिक टू इट एज you have already seen in the video. Then I thought, let's try it on the table only. I was so stupid actually, I realized all my fault later after the video was done. So in the table also it sticked, so what should I do? Then I thought, let's sprinkle some powder and then do it. I will paint it later if the powder sticks to it. But the powder actually sticked it, and in the upper portion also some powder also sticked, and it lost that brightness, you can say that. But जैसे तैसे करके मैंने बना लिया यार. मतलब जब मैंने पहली बार वो वाइट कलर का सर्कल बनाया था उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, बट धीरे 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 ना मेरी डिफ़िकल्टीज कम होती गई, एंड आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट इन मेकिंग ऑल दो सर्कल्स. एंड मुझे जो भी सर्कल्स बनाने थे वो एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने थे, एंड दैट टू मुझे पहले के एरिया से लास्ट सर्कल का एरिया बहुत ही छोटा रखना था. तो पहले जो भी मैंने सर्कल बनाया उसमें मैंने पूरा ही वाइट कलर का क्ले यूज़ कर लिया, एंड लास्ट में मैंने बहुत ही कम क्ले यूज़ किया था. एंड सर्कल बनाने के बाद मैंने उसमें डॉट्स कर दिए थे बिकॉज वी हैव टू इंसर्ट थ्रेड ऑन दैट. सो या दैट वॉज हाउ आई डिड इट. एंड एक्चुअली इन दैट सर्कल वी हैव टू राइट द वर्ड ड्रीमर. ओके, सो ड्रीमर आई मीन दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट वर्ड. सो आई हैव टू क्रिएट सम डिज़ाइन, आई हैव टू कलर दैट, एंड ऑन दैट आई हैव टू राइट ड्रीमर विद द ब्लैक एक्रेलिक पेंट. सो दिस टाइम आई विल बी यूजिंग माई ब्रश पेंट्स टू फॉर टू क्रिएट डिज़ाइंस ऑन दोज क्ले सर्कल्स. So yeah, after that I am going to insert the thread, and I have also inserted a teddy bear like kind of doll. This is absolutely optional, if you want then you can. एंड जो भी मैंने सर्कल बनाया ना उसको मैंने कोई भी टूल्स यूज़ ही नहीं किया है, बिकॉज मुझे ये बाद में लगा कि मैं कटर से हेल्प से कर सकती थी शायद सर्कल, बट मेरे को वो आइडिया तभी बिल्कुल नहीं आया. एंड मैं अचानक से बस वीडियो बनाने बैठ गई, एंड देन आई वॉज लाइक कैसे बनाना है उसको सर्कल. तो मैंने अपने हाथ से ही शेप दिया था, बिकॉज पहले भी जब मैंने अपने प्रोजेक्ट किया था तब भी मैंने अपने हाथों से ही सारे शेप्स दिए थे. सो या उसके बाद जब पाउडर जिस पे मैं पेंट करने वाली हूँ जिस सर्फेस पे, उस पर भी चिपक गया था. तो ऑफकोर्स आई हैव टू रिमूव दैट और आई हैव टू पेंट इट अगेन. आई ट्राई टू रिमूव इट विद वाटर,
and actually I kept it for 24 hours, you know, to make it dry. But water से भी कुछ काम नहीं चला, तो उसके बाद मैंने सोचा कि लो let's just paint it. मैंने कुछ acrylic paints use करे and then कुछ brush paints use करे उसको paint करने के लिए, कुछ design बनाने के लिए. design मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहे थे because I was already irritated कि मेरे से हो ही नहीं रहा था, because yeah मेरे से नहीं हो रहा था. तो but yeah I was happy after what it turned to be, because मुझे बहुत पहले से ऐसा है, you know, एक wall hanging बनाना था अपने study के लिए, जिसमें मैं you know ऐसा रख पाऊँ dreamer वगैरह, like यू नो बिल्कुल मेरे लिए मिलता जुलता. बिकॉज यार सपने देखने में थोड़ी ना टैक्स लगता है, तो सपने देखना है तो बड़ा देखो ना यार. आई मीन या ऑलवेज यू नो अपने ड्रीम्स के पीछे भागना चाहिए हमेशा. आई मीन या मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो सपने वही होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, राइट, और जो हमें बिल्कुल सोने नहीं देते. एंड आई हैड लॉट्स ऑफ ड्रीम टू लाइक यू नो आई वॉन्ट टू फुलफिल. But yeah, and also YouTube is one of my dream to be a, you know, YouTuber in future. So that's how I am. And coming back to the video, अब तो हमारे you know clay में मैंने painting करना भी start कर दिया है. पहले वाले जो circle का design वो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद yellow, and उसके बाद जो भी था वो bright colors ऑलरेडी थे उसमें, जो डिज़ाइंस थे बहुत ही कम मैंने बनाए थे, बिकॉज आई हैव टू राइट द लेटर. एंड मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर वर्ड पे ही था. ईच एंड लेटर मस्ट बी लाइक लुक सो ब्राइट एंड इट मस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट ओनली. सो मेरा ऐसा नहीं था कि पहले मेरे को आर्टिस्टिक इफेक्ट लाना है, मेरे को पहले वो लगाना है कि लाइक हाँ यस ड्रीमर आई एम अ ड्रीमर लाइक दैट. सो या एंड मैंने इसमें पहली बार ब्रश पेंट यूज़ किया. एंड आई थिंक क्ले में ना ये चल जाता है, बट यू नो कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है. सो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने देखा है पहले मैंने ब्लैक कलर से यू नो रखा था, उसको लिखा था, देन इट फेड आउट, देन आई यूज़ एक्रेलिक पेंट्स. तो बहुत ही यू नो मेहनत लगी इसमें मेरी 2-3 दिन, बट इट्स ओके. आई थिंक इट्स वर्थ इट, बिकॉज हमें हमेशा नए नए चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. एंड आई लव एडवेंचर्स, आई लव एक्सपेरिमेंट्स. सो या दैट वॉज इट. और ग्रीन कलर जो लास्ट वाला पीस है मैंने उसको अगेन चेंज कर दिया, बिकॉज मेरे को उसका डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया. तो या कुछ उसके बाद ऐसे डिज़ाइंस थे सबके, आप देख सकते हो. मुझे सबसे ज़्यादा डी का डिज़ाइन पसंद आया, बट आई ट्राई टू कीप इट कलरफुल जो मैं कर सकती थी. या मैंने जितना किया मुझे अच्छा लगा करके. एंड आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़. एंड सजेस्ट मी कि मैं अगले वीडियो में क्या बनाऊँ. वैसे तो मैं क्रिसमस रिलेटेड वीडियो पे वर्क करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है वो वीडियो. एंड आगे मेरा मैथ्स फेस्ट है, उसके लिए भी मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो उसका ट्यूटोरियल वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी. सो फाइनल लुक कुछ ऐसा है हमारे वॉल हैंगिंग का. एंड आई थिंक जो पढ़ाई से प्यार करते हैं, जो एजुकेशन से प्यार करते हैं, दे विल डेफिनेटली लव इट. जो यू नो हमेशा यू नो सपने देखते हैं उन्हें तो बिल्कुल पसंद आने वाला है. आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय. एंड यस टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.